हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान की टूरिस्ट कैटेगरी में अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। आपको सिंपल टाइप करना है ऊपर VFS जापान न्यू दिल्ली। ये आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। ये जो फर्स्ट में आ रही है वेलकम टू VFS ग्लोबल, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर अ वीज़ा बुक एन अपॉइंटमेंट। ये बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, चूज बुक एन अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो यहाँ पे न्यू यूज़र करके रजिस्टर कर लेना। जैसे मेरे पास आईडी पासवर्ड है, वो मैं अभी लॉगिन करके आपको ये बता देता हूँ कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे की जाती है। आपको यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी रजिस्टर करोगे यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पे पासवर्ड। कंटिन्यू आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है शेड्यूल अपॉइंटमेंट। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक किया, फर्स्ट आ रहा है विजिटिंग कंट्री। आप जापान जा रहे हो, रेजिडिंग कंट्री जो कि हमारी इंडिया का, सेंटर सेंटर आपको चूज करना है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा नियरेस्ट न्यू दिल्ली या चंडीगढ़ है, तो मैं न्यू दिल्ली चूज कर लेता हूँ। कैटेगरी कैटेगरी अब हम टूरिस्ट के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है टूरिस्ट। अब जो हमने ये कैटेगरी चूज की है, तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट डेट अवेलेबल है वो 20 फरवरी की है, तो इसको बुक करने के लिए हमें कंटिन्यू करना है यहाँ से। अब पे ऐड कस्टमर, ऐड कस्टमर में गए हम। अब यहाँ पे ये मांग रहा है पासपोर्ट डिटेल। यहाँ पे सिंपल आपको पासपोर्ट डिटेल फिल करनी है और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है पर्सन की? एक्सपायरी डेट, क्योंकि पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट टाइप रहती है। जो भी आप डालोगे, ये मैं आपको रफली डाल के दिखा रहा हूँ। और अब सिलेक्ट नेशनलिटी। अब यहाँ से आपको आपकी नेशनलिटी, हमारे इंडिया है तो इंडिया डाल देते हैं। नेम हम डाल देते हैं, यहाँ से जेंडर चूज की है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। और यहाँ पे ईमेल आईडी आप टाइप करके देखिए, और यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। अब ये यहाँ पे आपसे डेट्स पूछेगा, जो भी अवेलेबल होगा। ये आपको ये साइड में दिखा रहा है ना, एक्चुअली नेट थोड़ा स्लो है। यस, अभी जो दिखा रहा है, जो अर्लीस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे जो ग्रीन में जिस पर आ रहा है वो अवेलेबल है। जैसे अभी फर्स्ट ऑफ हमें 9th मार्च का दिखा रहा है अवेलेबल, 9th मार्च पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्लॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 12:15 बजे का टाइम अवेलेबल है, इस पर हमें चूज करना है यहाँ पे, और यहाँ से कंफर्म कर देना है। ये देखिए हमारे पास फाइनल कंफर्मेशन आ रही है।
ये हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, ये देखो अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे लिखा रहा है, आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप ओपन करके देखोगे तो ऐसा नज़र आएगा, कस्टमर वन जापान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली, अपॉइंटमेंट लेटर, नाम आ गया, रेफरेंसेस नंबर आ गया, पासपोर्ट नंबर, अपॉइंटमेंट 9 मार्च का 12:15 का, और ये कैटेगरी है टूरिस्ट, जो कि बिल्कुल आसान है। और अभी ये आपसे पूछ रहे हैं आगे कि कुछ और सर्विस आपको ऐड करवानी है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं है, यही कंफर्मेशन लेटर आता है। अब इसके बाद आपको सारी फाइल रेडी करके यहाँ पे 9 मार्च को न्यू दिल्ली सेंटर में, ये जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शिवाजी स्टेडियम एसोसिएशन, यहाँ पे जाके इनके सेंटर में जाके डिपॉजिट करा के आनी है। ये आपको रिसिप्ट दे देंगे फाइल आपकी लेकर, और आपसे कोरियर फॉर्म फिल करवा के आप वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आपको वही कोरियर कर देंगे आपका पासपोर्ट जब आ जाएगा अम्बेसी। आप प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।